200 के क्लब में इनको शामिल होने की जरूरत ही नहीं है, वो तो क्या इनॉग्रेशन मेंबर वही है। उन्होंने तो शुरू किया क्लब। डंकी की रिलीज से पहले राजकुमार हिरानी और आमिर खान के जल्द ही रीयूनाइट होने की बात सामने आई है। वो हम बोल देंगे तो बवाल हो जाएगा भैया, कुछ तो बता दीजिए। वो आप पिक्चर मां देखो, पिक्चर मां देखो। खबर तो ये है कि राजकुमार हिरानी का नरेशन सुनकर आमिर खान हो गए हैं काफी एक्साइटेड। तो क्या आमिर खान ने एक्टिंग से जो ब्रेक ले रखा है वो राजकुमार हिरानी की उस फिल्म से टूटने वाला है जो डंकी के बाद होगी शुरू? इसका जवाब भी आपको आगे मिलेगा और ये भी पता चलेगा कि आमिर खान प्रोडक्शंस ने कैसे अपना लिया है स्टूडियो मॉडल। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पीके के 10 साल बाद ऑडियंस फिर से विटनेस करेगी आमिर खान और राजकुमार हिरानी का एसोसिएशन, क्योंकि रिपोर्टेडली आमिर खान को राजकुमार हिरानी ने एक बायोपिक नरेट की है जिसे सुनने के बाद आमिर नजर आए काफी एक्साइटेड। सोर्सेज ने ये इशारा भी किया है कि शाहरुख खान स्टारर डंकी की रिलीज तक बायोपिक की स्क्रिप्ट लॉक करने का प्लान है। वहीं डंकी रिलीज होते ही प्री प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। हालांकि अभी तक किसी भी तरह का कॉन्फर्मेशन सामने नहीं आया है, लेकिन सोर्सेज ने दावा किया है कि बातचीत काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। वहीं रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आमिर खान प्रोडक्शंस अब स्टूडियो मॉडल में काम करने लग गया है, क्योंकि फरहान अख्तर स्टारर कैंपियोनेस के रीमेक के अलावा आमिर का बैनर लपटा लेडीज, प्रीतम प्यारे और जया 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 है इन चार फिल्म्स पर काम कर रहा है। खबर तो ये भी है कि आमिर खान ने मलयालम फिल्म जया 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 है के रीमेक के लिए डायरेक्शन की जिम्मेदारी सीमा पाहवा को दी है। वहीं संजय मिश्रा स्टारर प्रीतम प्यारे में आमिर खान खुद भी एक एक्साइटिंग कैमियो करते हुए दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि आमिर खान प्रोडक्शंस द लव टुडे की रीमेक प्लान कर रहा है। फिल्म में लीड रोल के लिए आमिर खान के सन जुनैद खान और खुशी कपूर का नाम सामने आया है। हालांकि इस पर अब तक कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन सामने नहीं आया है। रही बात आमिर खान के एज एन एक्टर काम करने की, तो फैंस खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि लाल सिंह चड्ढा के फेलियर के बाद आमिर भी राजकुमार हिरानी के साथ कोई प्रोजेक्ट करना चाहेंगे और इस फ्रंट पर जो भी डेवलपमेंट सामने आएगा वो हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाएंगे। Get a chance to feature on Zoom TV. Ho ja Zoomify.